अल्लाह अकबर और जय श्री राम में गरीबों के बच्चे अपने बाप गवा गए। न राम ने सिखाई कभी खून की प्यास, न नबी पाक ने कहा करो दंगे फसाद। अमीर ओ भाई, ये चीज मतलब चनके को करनी चाहिए थी, मैं सच बताऊं तो। बताए तेरा रब खुश जब तुम मारो दूसरे को, ऐसा ना लिखा चाहे गीता या कुरान हो, खुद पढ़ के। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई। गीता ना कुरान में नहीं लिखा तो तुम एक दूसरे को मारो, चीजें करो, नहीं लिखा ब्रो। क्या तुझे दिक्कत है, दिल्ली हो कराची पेशावर या हो मुंबई, मुल्क और मजहब साइड पे तुम सब मेरे भाई। मुझे होती है तक गूज़बम्स आ गए भाई मेरे। ओके ओके, तो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GDX रिएक्ट्स, जहाँ आती है भाइयों डेली रिएक्शन की वीडियोस। एंगल थोड़ा इधर उधर हो जाता है इसलिए तुम लोग भाई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस सॉन्ग के लिए, मंदिर मस्जिद सन्नी खान दुरानी, बहुत टाइम बाद रिक्वेस्ट आई है भाई सन्नी खान दुरानी की कोई, तो लेट्स गो यार। अब तुम्हारा भाई अगर रिक्वेस्ट आई और मैं इग्नोर मार दूँ ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, तो जिस भी भाई की रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में भाई बता देना। देखते हैं, मंदिर मस्जिद मतलब हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है इधर, ठीक है, तो ये गाना थोड़ा वैसा हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा इस गाने के अंदर। अच्छा मैसेज है, क्या है, लेट्स गो एंड लेट्स टू दिस सॉन्ग, देखते हैं भाई इस गाने का सीन क्या है। लेट्स गो, मंदिर मस्जिद, लेट्स गो। क्या कुछ भी नहीं सीखा अपने आबा अजदाद से, क्या चाहते हम उनकी भी जुल्मत को मात दें, क्या चाहते फिर से हुक्म करें हम पे आके गोरे, एक जिस्म के दो हाथ एक दूसरे को तोड़े। पहली लाइन ही समझ आ गई क्या कहना चाह रहा है गाने के अंदर, ठीक है, आपस में तुम लड़ते रहोगे और गोरे आके फ़ायदा उठा लेंगे, बस यही रहेगा, हिंदू मुस्लिम तुम लोग करते रहोगे और थर्ड पर्सन फ़ायदा उठा जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि हम लोग पहले एक ही थे यार इंडिया पाकिस्तान, और अब इतनी दुश्मनी इतनी चीज़ें हो चुकी है दोनों के बीच में। आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और मैं न्यूट्रल हूँ हर चीज़ के लेके, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान इस वक्त वीडियो देख रहा है हमारी, ठीक है, तुम लोगों को जो नॉर्मल है उन लोगों को हेट नहीं है भाई जितना मुझे पता है, ठीक है, सब पॉलिटिक्स वगैरह है जो ज़्यादातर चल रही है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है भाई मंदिर मस्जिद तुम हिंदू मुस्लिम करते रहोगे और ये थर्ड पर्सन आके फ़ायदा उठा लेगा, तुम लोगों का हुक्म करेगा कि भी जुल्मत को मात दे, क्या चाहते फिर से हुक्म करें हम पे आके गोरे, एक जिस्म के दो हाथ एक दूसरे को तोड़े। मौलवी बोला तो तूने मंदिर जला दिया, पंडित बोला तो तूने मस्जिद जला दी, ये मुल्ले और पंडित में फर्क थोड़ा भी ना होंगे कुछ ठीक, बाकी बेचे फितना। बहुत बढ़िया पॉइंट मारा भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट मारा, बस एक दोनों को ब्लेम करते रहो और बस यहाँ होंगे कुछ ठीक, बाकी बेचे फितना, क्योंकि खरीदार बहुत खड़े यहाँ लाइन में, क्योंकि ये हशर से सब तुमको डराएं। बताएं तेरा रब खुश जब तुम मारो दूसरे को, ऐसा ना लिखा चाहे गीता या कुरान हो, खुद पढ़ के। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई। गीता ना कुरान में नहीं लिखा तो तुम एक दूसरे को मारो, चीजें करो, नहीं लिखा ब्रो। Let's go. देखो अगर शक मेरी बात पे, बंदा रोया हाथ से तो तू होगा आग में, तो नोमल तो हमसे संभाल लेनी जाते और लगे हैं कश्मीर को ये अपना बनाने में जो। Let's go. दोनों मुल्क एक दूसरे संभालने वाले और कश्मीर पे लड़ाई लोग करते रहते हैं भाई, अभी से नहीं पता कब से चल रही है कश्मीर पे लड़ाई, तो भाई कश्मीर व्लॉग, मैंने कश्मीर व्लॉग बनाया था, अगर तुम लोग देखना चाहते हो देख सकते हो मेरे मेन चैनल पे GDX व्लॉग्स, तुम्हें मिल जाएगा, कश्मीर लिख देना, उस पर मैंने पूरे 4 से 5 पार्ट बनाए हैं, बढ़िया जगह यार, मजा आया था ऑन सोशल मीडिया। लेट्स गो। पैसा ये लगा देते असलाह खरीदने में, वो ही पैसा क्यों नहीं देते हाथ में फकीर के, बंदर बांट करके इन्हें करनी हुकूमत, बोले मजहब के नाम पे गरीबों का खून कर, अब आके ना बताना मुझे किसने पहल की, दंगे में पिटने वाली तेरी भी बहन थी। अल्लाह अकबर और जय श्री राम में गरीबों के बच्चे अपने बाप गवा गए, न राम ने सिखाई कभी खून की प्यास, न नबी पाक ने कहा करो दंगे फसाद। ओ भाई, ये चीज़ मतलब चनके को करनी चाहिए थी, मैं सच बताऊँ तो, बट ये बंदा कर रहा है सन्नी खान दुरानी। सही मैसेज यार, बिल्कुल सही मैसेज ब्रो, ऑल रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया सन्नी खान दुरानी, क्या मैसेज दिया यार, अभी तो गाना ख़त्म भी नहीं हुआ यादा। अल्लाह अकबर हो चाहे जय श्री राम हो, ठीक है, कोई भी खुदा या भगवान हमें गलत नहीं सिखाता एक दूसरे के लिए करने के लिए। Damn, यार हिंदी अल्लाह अकबर और जय श्री राम में गरीबों के बच्चे अपने बाप गवा गए, न राम ने सिखाई कभी खून की प्यास, न नबी पाक ने कहा करो दंगे फसाद। अमीर महल में बैठा तुम बचाने चले धर्म, बलात्कार खुदा के नाम पे तुम्हें आती नहीं क्या शर्म, घर से निकले देख के जन्नत के ख्वाब, जिन दरिंदों को दोजख में भी ना मिले पनाह,
माँ बेवा हो गई यहाँ बेटी का जहेज जले, ये तो मजे में लिफाफे लेते बेस तले, कल के तेरे फैसले करते ये कोठियों पे, दहशत गर्दी गूंज के ये देते तुम्हें रोटियों में, गलियों में लाशों पे लाशें बिछा के, कौन सा खुदा इस वहशत पे खुश होगा, उसने तुझे बोला मेरे बंदों की हिफाजत कर, तूने उसका बंदा लाल रंग में भिगो दिया, जोड़ जोड़ के पैसा जो गरीब का था घर बना, धर्म के रखवाले ने दो मिनट में वो लूट लिया, तू घर से निकला था जब मजहब को बचाने, फिर क्यों शटर तोड़ लूटे गरीब की दुकानें, ये करे अपनी लूट मार धर्म की ताक में, उधर बैठा बच्चा अपने जले घर की राख में, पूछता सवाल वो खुदा और खुदाई से कि उसका क्या कसूर इस मजहब की लड़ाई में, सरहद पार बैठा लड़का कहता मुझसे नफरत है, भूल जा मेरा मुल्क मजहब फिर क्या तुझे दिक्कत है, दिल्ली हो कराची पेशावर या हो मुंबई, मुल्क और मजहब साइड पे तुम सब मेरे भाई, मुझे होती है तक गूज़बम्स आ गए भाई मेरे। ये चीज़ें यार मैं भी बोलता हूँ हमेशा अपनी वीडियो में भाई, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो या दिल्ली हो या कराची हो, सारे इंसान हैं यार, मैं इंसानियत तो विश्वास रखता हूँ भाई। और जो रैपर जो आर्टिस्ट ये चीज़ें लाइन बोलता है ना, लाइक एमी वे है वो भी ये चीज़ें ज़्यादातर बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। ठीक है, ये गाने का मैं पता कब से सोच रहा था, ये गाना कौन, ऐसा गाना कौन बनाएगा, ऐसा गाना कौन खनाएगा। सन्नी खान दुरानी दिल जीत लिया भाई तूने मेरा, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा मैसेज भाई, बहुत अच्छा मैसेज। जब ये लड़ते हैं आपस में ऑनलाइन बैठे, नफरत से भरते कमेंट सेक्शन, और तुम्हारे सियासतदान अपने बिस्तर में सोते, अपने बच्चों को वो कलम और तुम्हें वो पिस्तौल दें, आग ही लगा दोगे जब सब इबादत गाह को, फिर कौन सा भगवान और कौन सा खुदा मिले, नालियों में लाशें बहे नाम पे उस रब के, शैतान भी शायद तोड़ चुके दम यहाँ कब के। भाई शैतान से खतरनाक अब इंसान हो गया भाई, सच है ब्रो। रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सनी खान दुरानी, रिस्पेक्ट ब्रो। बढ़िया गाना यार, बढ़िया। जिस भी भाई ने मुझे रिक्वेस्ट डाली इस गाने की यार, थैंक यू सो मच भाई। ये होते हैं गाने मैसेज वाले, ये होता है हिप हॉप ब्रो। मज़ा आ गया जो मैसेज इसके अंदर दिया है। ये गाना इतने व्यूज़ नहीं है शायद, मिलियन व्यूज़ डिजर्व करते हैं भाई, ये सॉन्ग ही तो डिजर्व करते हैं यार, 1 लाख व्यूज़ है बस, यही तो सॉन्ग डिजर्व करते हैं ब्रो, क्योंकि उसमें मैसेज है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। बढ़िया यार सन्नी खान, बढ़िया भाई, मज़ा आया, मज़ा आया। और भी गाने यार सजेस्ट करो, और बढ़िया बढ़िया गाने यार, तुम लोग के कमेंट सेक्शन पे आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, करेंगे करेंगे सब करेंगे यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं हो तो इस चैनल पे आती है डेली रिएक्शन की वीडियो, उस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक से पता लगता है तुम्हें रिएक्शन अच्छा लगा या गंदा लगा, बता देना गंदा लगा तो कमेंट सेक्शन पे, क्या चीज़ गलत लगी, कोई गलती कोई रेफरेंस मैंने छोड़ दिया तो बता देना। चलो भाई ये 3 आज की रिएक्शन वीडियो, होप करता तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं बचन पर तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर आती है डेली रिएक्शन की वीडियो। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी डी एक्सन ऑफ, अपना ध्यान रखो यार भाई, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, हार नहीं मानने का ब्रो, करते रहने का, एंड लव फ्रॉम इंडिया यार, पाकिस्तानी भाइयों लव फ्रॉम इंडिया, नो हेट यार, कोई जैसा हेट नहीं है किसी को लिए भी। ठीक है चलो यार बाय, तो पीस आउट, पीस।